तो फाय हम जा रहे हैं अपनी दोस्त की बहन की शादी में। कल हल्दी मेहंदी है तो वहां तो जाना बनता ही बनता है। चलते हैं। हाँ तो विधु ये बोल रही थी कि अनुराग को अलग से स्पेशली कॉल करूँ क्या इनवाइट करने के लिए। मैं घर पे गई थी कार्ड देने के लिए तो मम्मी पापा तो थे, उनको तो मैंने बहुत अच्छे से इनवाइट कर दिया, लेकिन जो अनुराग है वो था नहीं वहां पे। तो मैंने उसको बताया कि अनुराग तो मेरे पास में था, वो स्पेशली बोलना पड़ेगा क्या? नहीं, चल तो आएंगे, शादी जैसे फिनिश होगी उसके बाद में चल करते हैं, कहीं पे चलते हैं। यार पता नहीं कैसे गाड़ी का टायर पंचर हो गया, और फिर सोचा कुछ और भी काम करा लेते हैं, यहाँ तक आए हैं तो। ऑब्वियसली हम होने हैं। तो खाना खा लो, आ जाओ। नहीं, खाना तो हमने खा लिया। अभी ना खा लो, तो तुम तो लेट खाने वाले पर्सन हो। एक एक बजे मैगी मैक्रोनी बनाती हूं। तो बगैर तुम्हें बता रहे हो फिर आप। नहीं, ऐसे नहीं, ये बना के आई थी खाना। जा रही है, रुक जा। ये बाहर आ जाओ। यार घर बहुत अच्छा डेकोरेट किया है। वाओ, चला रहा है ये। आज तक आई कुडंट सी, मेरे को अभी भी नहीं मिला। हमने ना 3-4 घंटे वेट कर लिया, आंटी का गीत ख़त्म हो, कभी देवता के गीत, पता नहीं कितने सारे गीत होते हैं, हमें तो देखो आते नहीं, कुछ भजन आ जाते हैं हमें। तो हमने सोचा चलो आंटीज़ के साथ में थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, खाना की भजन ही गा लेते हैं। यार बहुत साल पहले ढोलक सीखी थी तो देखना था कि अभी ढोलक बजानी आती भी है, याद है या नहीं है। तो मैं बद्रीनाथ दर्शन के लिए गई थी ना, तो वहाँ मैंने पहली बार भजन सुना था, मोहन से दिल क्यों लगाया है मैं जानूँ या वो जाने। तब से मैंने वो सुना है, तब से वो मुझे बड़ा पसंद है। तो यहाँ पे आंटी लोग भी गाने लगे, मैंने सोचा ब्याह का माहौल है तो हम भी भजन गाया, और मेरा मन डांस करने का भी करने लगा। राधिका गोरी से मुझे बड़ा पसंद है, डीज बोलने लगे कि आपकी सखियों में रात में राधा कृष्ण की छवि आ रही है, बस और क्या ही चाहिए। चलिए शादी की नेक्स्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करिए, आपको क्या अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताएं।